उमरिया शहर में अब उत्तर की सर्द हवा का असर दिखने लगा है। सर्दी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। सुबह शाम के अलावा अब दोपहर के समय भी लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा है, जिसका असर शहर के बाहरी हिस्से में सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर शहर के बाहर गरीब बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवार के बच्चों में ठुठुरने को मजबूर है। ऐसे परिवार की मदद के लिए शहर के कुछ युवा समाज सेवी लोग आगे आए हैं। शनिवार को इन लोगों के द्वारा पाली नगर के पास मौजूद गरीब बस्तियों में गरीब परिवार के बच्चों को गर्म कपड़े बांटे गए, जिनसे उनकी जो है उन्हें ठंड से राहत मिल सके। इस दौरान समाज सेवियों ने बच्चों में खाने के लिए चॉकलेट और बिस्किट का भी वितरण किया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में ठंडी थोड़ा अलग ही रूप ले रही है और बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। इसको ध्यान में रखते हुए युवा टीम उमरिया के द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से और उसकी उपस्थिति में आज ग्रामीण क्षेत्रों में और बाढ़ में कई जगह जो बच्चे असहाय हैं और थोड़ा सा गरीब हैं और उन सभी के पास ठंड से बचाव के लिए स्वेटर नहीं है, तो आज युवा टीम उमरिया के द्वारा नए स्वेटर सहयोग के माध्यम से, लोगों के सहयोग के माध्यम से उन सभी बच्चों को नया स्वेटर प्रदान किया गया और छोटा सा प्रयास उनके चेहरे में खुशी लाने का प्रयास किया गया।